नमस्कार आप सभी को। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में सेक्शन 68। जो ये सेक्शन 68 है, यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर समन की सर्विस करवानी है, समन को तामील करवाना है किसको, गवर्नमेंट सर्वेंट को, तो क्या प्रोसीजर होगा गवर्नमेंट सर्वेंट को समन तामील करवाने का। तो चलिए जानते हैं। इसमें जो सबसेक्शन 1 है, यहाँ पर ये बता रहा है जिस भी गवर्नमेंट सर्वेंट को समन होने हैं वो एक्टिवली वहां पर होना चाहिए उस गवर्नमेंट सर्विस में। मतलब कि अगर वो है गवर्नमेंट सर्विस में एक्टिवली है, तो उस केस में कोर्ट क्या करेगी, समन इशू करेगी जिस ऑफिस में, जिस डिपार्टमेंट में वो गवर्नमेंट सर्वेंट वर्क कर रहा हो उसके ऑफिस में, जो वहां का हेड है, उस ऑफिस का जो हेड है उस हेड को वहां पर वो समन भेज देगी। द समन शैल ऑर्डिनरी सेंड टू द हेड ऑफ द ऑफिस इन विच सच पर्सन इज इंप्लॉयड। जिस डिपार्टमेंट में वो है उसके हेड को वहां पर भेज दिया जाएगा और वो डुप्लीकेट कॉपी उसके साथ में भेजी जाएगी। वो क्यों भेजी जाएगी, वो इसलिए भेजी जाएगी जब उसके हेड को वहां पर पहुंच जाएगी, जो ऑफिस का हेड है, तो उस हेड की वहां पर ड्यूटी बन जाती है कि वो सम्मन्स को वहां पर उसको दे जिस पर्सन के खिलाफ में वहां पर वो सम्मन आए हैं, अपने कर्मचारी को जो इंप्लॉयड है उसके डिपार्टमेंट में, उसको वो देगा वहां पर और डुप्लीकेट कॉपी पर उसके साइन भी करवा लेगा और फिर वो जो डुप्लीकेट कॉपी है उसको वो कोर्ट में भेज देगा एक सबूत के तौर पर कि वहां पर जो ये जो सम्मन तामील हुआ है ये प्रॉपरली हो चुके हैं। और इसमें जो सबसेक्शन 2 है, यहाँ पर ये यही बता रहा है जो सिग्नेचर करवाए जाएंगे उस पर, जो डुप्लीकेट कॉपी होती है, अगर वहां पर सिग्नेचर मिल जाते हैं किए हुए प्रॉपरली, तो यह माना जाता है कि वो ड्यूली सर्व हो चुके हैं, वो प्रॉपरली सर्व हो चुके हैं वो सम्मन्स उस पर्सन को जिस पर्सन के खिलाफ वहां पर वो सम्मन आए थे जो गवर्नमेंट सर्वेंट था। अब मैं इसे आपको एक एग्जांपल से भी समझा देता हूँ। मान लीजिए कोई पब्लिक सर्वेंट वो पुलिस वाला है और इस पुलिस वाले के खिलाफ यहाँ पर सम्मन आए हैं और जो ये यहाँ पर ये पुलिस ऑफिसर है ये एक्टिवली यहाँ पर सर्विस दे रहा है, मतलब कि ये है उस टाइम, तो इसका मतलब जो इसका हेड होगा, अब जो पुलिस ऑफिसर होते हैं उनके हेड कौन होते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट में हेड होते हैं एसपी, जो सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होते हैं, तो वहां पर उनको भेज दिया जाएगा वो समन और फिर वहां पर वो इन्फॉर्म करेगा इस पर्सन को, इस पुलिस ऑफिसर को कि आपके खिलाफ ये समन आए हैं, आकर इस समन को ले जाइए और अपने सिग्नेचर इस पर कर दीजिए। और जब वो सिग्नेचर कर देगा फिर वो एसपी, जो एसपी है वहां पर उस डिस्ट्रिक्ट में, वो क्या करेगा, वो कोर्ट में भेज देगा जो जिस पर साइन करवाए होते हैं उस डुप्लीकेट कॉपी पर। तो इसी तरह से यहां पर उस हेड ऑफ द ऑफिस की यहां पर ड्यूटी होती है कि वो सेक्शन 64 के अंडर वो प्रॉपरली सर्व करवाए जैसा 64 में बताया गया है। मैंने आपको सेक्शन 64 बताया था, अगर आपने 64 की वीडियो देखी होगी तो आपको समझ आ जाएगा 64 में कैसे सर्व करवाए जा रहे थे वहां पर वो समन्स। उसी तरीके से यहां पर हेड ऑफ द ऑफिस की यहां पर ड्यूटी होती है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम जानेंगे सेक्शन 69 को। ओके बाय।